नमस्कार दोस्तों दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम ये सीखने वाले हैं कि आप अपने गैलरी यानी कि आपकी मोबाइल गैलरी का जो फोटो है उसे आप गूगल फोटो नाम के जो ऐप होता है इसके ऊपर आप कैसे सेव कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आपको भी जानना है तो हमारे वीडियो के साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहेगा। दोस्तों मैं उस प्रकाश चौबे और आप देख रहे हैं चैनल चौबे टेक्निकल। दोस्तों चलिए आज की जो कमाल की वीडियो है शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए गूगल फोटो नाम का जो ऐप है इसको आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। हालांकि ऑलरेडी पहले से मिलता है मोबाइल के अंदर, नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिए। चलिए हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे आप अपने गूगल फोटो नाम के ऐप को डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए कह रहा है कि नॉट नो साइन इन, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और अपनी ईमेल आईडी के सहारे, जो आपकी ईमेल आईडी है उसके सहारे आपको लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर दोस्तों जैसे आप अपनी ईमेल आईडी के सहारे लॉगिन करेंगे यहाँ पर देखिए आपकी ईमेल आईडी दिखाने लग जाएगा। यहाँ पर देखिए हम क्लिक करते हैं तो आपकी ईमेल आईडी यहाँ पर शो करने लग गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी, अब इस ईमेल आईडी के सहारे आप अपने गूगल फोटो के अंदर यहाँ पर लॉगिन हो चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको एक ऑप्शन नजर, देखिए यहाँ पर लिखा नजर आ रहा है गेटिंग योर फोटोज, कहने का अर्थ है कि आपका जो गैलरी के अंदर फोटो है यहाँ पर धीरे धीरे अब दिखाने नजर आ रहे हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आपके गूगल फोटो के अंदर ये फोटो सेव हो चुके हैं, सेव नहीं हुए हैं, केवल आपकी गैलरी वाले फोटो ही यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। अब क्या करना है कि आपको जो भी आप फोटो लेते हैं अपने मोबाइल के कैमरे के द्वारा या फिर जिस फोल्डर के अंदर आपके जो फोटो रहते हैं उसे आप चाहते हैं गूगल फोटो के ऊपर अपलोड करना यानी इसके अंदर रखना, तो उसके लिए आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन नजर आएगा फोटो सेटिंग, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों जैसे आप सेटिंग ऑप्शन पे क्लिक करके आएंगे आपको एक ऑप्शन नजर आएगा बैकअप एंड सिंक, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपको इसको ऑन करना है। ऑन करने के बाद आपको अपनी ईमेल आईडी वही सिलेक्ट करनी है जिसके सहारे आप भी लॉगिन हुए हैं, उसी ईमेल आईडी को यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर देखिए आपको ओके कर देना है। फिर आपको देखिए जो अभी आपके गैलरी के अंदर फोटो है वो कौन से साइज के अंदर गूगल फोटो के अंदर सेव होने चाहिए, यहाँ पर ओरिजिनल क्वालिटी या फिर हाई क्वालिटी या फिर एक्सप्रेस, आप जिसमें सेव करना चाहते हैं उसको आप ऑन कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए सेकेंड ऑप्शन है मोबाइल डाटा यूजेज, यहाँ पर आपको एक बार सेलेक्ट करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ देखिए लिखा नजर आ रहा है डेली लिमिट फॉर बैकअप, यानी कि आपके मोबाइल गैलरी के अंदर जो फोटो सेव होंगे वो सब गूगल फोटो के ऊपर अपलोड होंगे, वो इंटरनेट के सहारे अपलोड होते हैं, तो एक दिन में कितने एमबी तक फोटो अपलोड हो पाएंगे, तो आप यहाँ पर अनलिमिटेड पे सेट कर लीजिए ताकि सेट हो जाए, मतलब कोई रोक टोक ना हो। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर इसके ऊपर सेलेक्ट करना चाहते हैं रोमिंग के अंदर रहे तो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहते हैं तो कर लीजिए नहीं तो छोड़ दीजिए। फिर दोस्तों आपको आ जाना है यहाँ पर बैक, ठीक, यहाँ पर आने के बाद देखिए तीसरा ऑप्शन नजर आ रहा है बैकअप डिवाइस फोल्डर, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसा आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर पूछ रहा है कि आप अपने मोबाइल गैलरी के अंदर जो जो फोल्डर है उसके अंदर जो फोटो है वो फोटो आप कौन कौन से फोल्डर वाले जो फोटो हैं आप अपने गूगल फोटो पे लेना चाहते हैं, मतलब यहाँ पे अपलोड करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं इसके अंदर, तो आप जिसमें तो आपका जिस फोल्डर के अंदर फोटो है उसको आप यहाँ पर इनेबल कर सकते हैं। जैसे हम अधिकतर फोटो अपने कैमरे के माध्यम से खींचते हैं तो वो जो फोटो है हमेशा आपको मिलेंगे, तो आप जब अपने कैमरे से फोटो खींचते हैं वो फोटो आपको हमेशा कैप्चर वाले फोल्डर के अंदर मिलेगा, तो इसको आपको कर लेना है ऑन। इसको जैसे आप ऑन कर लेंगे आप अपने मोबाइल कैमरे से जो भी फोटो खींचेंगे अपने आप गूगल फोटो के अंदर वो सेव होने स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अलावा जिस फोल्डर में भी जो फोटो नज़र आपके हैं, मतलब आपके जो फोटो जिस फोल्डर में हो उस फोल्डर को भी आप चाहें तो यहाँ पर इनेबल कर देंगे। इनेबल होने से क्या होगा कि वो जो फोटो है अपने आप गूगल फोटो पर आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक, यहाँ पर ये सारी सेटिंग करने के बाद में आना है आपको बैक। अब दोस्तों होगा क्या कि आपने जो भी मतलब अपने मोबाइल कैमरे से अपने जो फोटो खींचा होगा वो अपने आप इस ऐप के अंदर अपलोड होने स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद सिस्टम क्या होगा कि वो जो फोटो है आपके गैलरी से डिलीट होने के बाद भी यहाँ पर आपको नजर आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये हुआ पहला तरीका जिसके माध्यम से आप अपने गैलरी का जो फोटो है उसको आप गूगल फोटो नाम के इस ऐप के अंदर सेव कर सकते हैं। दूसरा तरीका आपको चलिए बताता हूँ। दोस्तों दूसरे तरीके के अंदर सिस्टम क्या है कि आपको अपने फोटो जो फोल्डर है मतलब जिसके अंदर आपने फोटो रख रखा है उसके ऊपर आपको सेलेक्ट करना है। गैलरी में जाने के बाद आप अपने जिस गैलरी के फोटो को अपने गूगल फोटो के अंदर सेव रखना चाहते हैं तो उस फोटो को आपको सेलेक्ट कर लेना है जो फोटो आप रखना चाहते हैं। जैसे हम देखिए यहाँ पे इस फोटो को सिलेक्ट करते हैं, इसको 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 और इसको, ऐसे आपको जितने फोटो सेलेक्ट करने हैं उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आप यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन नजर आ रहा है सेंड, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको एक यहाँ पर गूगल फोटो नाम का अपलोड टू गूगल फोटो, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। फिर आपको अपने ऐप को यहाँ पर ऑन करना है। अब देखिए कह रहा है कि 4 फोटो हैं जो 23 MB के हैं और आपके इस ईमेल आईडी वाले मतलब इस ईमेल आईडी में सेलेक्ट होंगे, इस ईमेल पे मतलब इस गूगल फोटो वाली आईडी पे अपलोड होंगे और आपको यहाँ पर अपलोड पे क्लिक कर देना है।
जैसे यहाँ पर अपलोड पे क्लिक करेंगे, देखिए वो चारों तीनों फोटो जो है यहाँ पर अब अपलोड होने स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पर आपको दिखा देगा, थोड़ा वेट करना है, जैसे ये पूरा हो जाएगा अपने आप आपके इस ऐप के अंदर वो फोटो सेव हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों यही तरीका है जिसके माध्यम से आप अपने गैलरी के, मोबाइल गैलरी के जो फोटो हैं उसे आप गूगल फोटो नाम के इस ऐप के अंदर सेव रख सकते हैं। और कैसे अपलोड करना है आपको दो तरीके मैंने बता दिए हैं। तो दोस्तों आपको जानकारी और वीडियो कैसी लगी, आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको इस बात की नॉलेज हो सके। और दोस्तों आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने सुझाव को रख सकते हैं या फिर आप हमसे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर भी संपर्क कर सकते हैं, नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन अंदर मिल जाएगी। और दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको बहुत धन्यवाद, और नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना चाहिए क्योंकि आने वाले फ्यूचर में कुछ इस प्रकार की वीडियो लेकर आने वाला हूँ जो सीधा तौर पे आपके लिए हेल्प साबित हो पाएंगी। दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।